Hey friends, welcome back to my channel and you are watching CCC Creative Crafts and Cooking by Priya. आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये वीडियो. वीडियो को एंड तक जरूर देखिए. अगर आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक देना ना भूलें. वीडियो अच्छा लगता है बुरा लगता है दोनों ही केस में आप मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइए. आपके कमेंट्स बहुत ज्यादा वैल्यूएबल होते हैं तो कमेंट्स करना ना भूलें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन पर प्रेस करके ऑल वीडियोस पर क्लिक करें ताकि हर एक नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप कोई भी वीडियो मिस ना करें. स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो. मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ सूखी अरबी की रेसिपी. अरबी तो देखिए बहुत तरह से बनती है लेकिन मैंने जिस तरह से बनाई है ये अक्सर मेरे घर में सभी को बहुत पसंद आती है और बनाना भी बहुत आसान है. जब भी आप लोग अरबी बनाते हैं तो अक्सर आपको दिक्कत ये आती है कि आपके हाथों में या तो खुजली मचने लग जाती है, बहुत ज़्यादा इचिंग हो जाती है या फिर आपके गले में भी इचिंग होना स्टार्ट हो जाती है. तो उसके लिए बहुत ही खास टिप है, आप इसको ज़रूर यूज़ कीजिए. मैंने अरबी एक बर्तन में ली है और अपने हाथ में कुकिंग ऑयल लगा लिया है. जिस ऑयल से आप खाना पकाते हैं या तो वो ऑयल लगा लीजिए या फिर आप सरसों का तेल भी अपने हाथों में लगा सकते हैं. सरसों का तेल अपने हाथों में लगाने के बाद कुछ इस तरह से अरबी को धो लीजिए ताकि इसके अंदर जितनी भी मिट्टी है वो सब कुछ निकल जाए. अगर आप हाथ में तेल लगाए बिना इन अरबी को धोते हैं तो ज़रूर ही आपके हाथों में खुजली मच सकती है, क्योंकि कुछ अरबी इस तरह की आती हैं जिसको टच करने मात्र से ही खुजली मचने लग जाती है. इसलिए आप अपने हाथों में पहले हल्का सा ऑयल लगाने के बाद ही इन अरबी को अच्छे से धो लीजिए. धोने के बाद इनको ऐड कीजिए कुकर में. हम इसको डायरेक्टली नहीं छीलेंगे, छीलने का भी बहुत ही आसान तरीका मैं आपको बताऊंगी. तो मैंने यहाँ पर आधा कुकर पानी भर दिया है, अरबी इसके अंदर डाल दी हैं. आप देख सकते हैं पानी भी साफ है क्योंकि हम अरबी को धो चुके थे. मैंने 2 विसल हाई फ्लेम पर और 2 विसल लो फ्लेम पर ली हैं और उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर कि अरबी जो है वो बहुत ही अच्छे से पक गई है. इसको चेक करने का तरीका देखिए, आप एक नाइफ लीजिए और नाइफ को अरबी में डालकर देखिए. अगर नाइफ आर पार हो रहा है इट मीन्स कि अरबी अच्छे से उबल गई है और बहुत ही आसानी से अब कट भी जाएगी. जब हम अरबी को उबाल लेते हैं तो अरबी को छीलना और भी ज़्यादा आसान हो जाता है. लेकिन अगेन मैं आपसे कहूँगी कि पहले अरबी को ठंडा होने दीजिए. ठंडा होने के बाद जिस टाइम आप अरबी को छीलते हैं तो उस समय आप अपने हाथ में थोड़ा सा सरसों का तेल लीजिए. यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा आ गया इसलिए मैंने अगेन उसी में डाल दिया है. अपने दोनों हाथों पर इस तरह से ऑयल को लगाइए और फिर आप नाइफ की सहायता से अरबी को छीलना स्टार्ट कीजिए. आप देखिए कि अरबी कितने आसानी से छिल जाती है. आपको ज़्यादा मेहनत करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी. अगर अरबी अच्छे से उबल जाती है तो इसको छीलना बहुत ही आसान हो जाता है. इसका जो छिलका होता है वो खुद ब खुद निकलना स्टार्ट हो जाता है और बहुत ही आसानी से इस तरह से अरबी छिल जाती है. तो जब भी आप नेक्स्ट टाइम अरबी बनाते हैं तो आप अरबी को उबाले बिना छीलिए मत, क्योंकि अगर आप अरबी को बिना उबाले छीलते हैं एक तो उसको छीलना बहुत ही बड़ा हेक्टिक हो जाता है, दूसरा खुजली में लगने का डर रहता है और तीसरा इतनी आसानी से नहीं छिल पाती है जितनी आसानी से ये उबली हुई अरबी छिल जाती हैं. इन उबली हुई अरबी से आप चाहें तो सूखी अरबी की सब्ज़ी बना सकते हैं. अगर आप चाहते हैं कि अरबी आप रसेदार बनाना तो आप उबली हुई अरबी से रसेदार अरबी भी बहुत ही आसानी से बना सकते हैं. तो आपको मेरी ये वाली टिप कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइए और नेक्स्ट टाइम से जब भी आप अरबी छीलते हैं तो ये ट्रिक ज़रूर अपनाइए. तो इस तरह से मैं सारी की सारी अरबी छील कर रख लेती हूँ और फिर मैं आपको बताती हूँ कि मैं ये सूखी अरबी इस तरह से बनाने वाली हूँ. यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने सभी अरबी छील ली हैं. छील लेने के बाद इनको काटना भी बहुत ही आसान है. आप देखिए कितने आसानी से ये कट रही है. इसमें आप चाहें तो आपको हाथ लगाने की भी ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही कट जाती है. लेकिन हाथ में पकड़कर अगर आप इसको कट करते हैं तो काफ़ी इजी हो जाता है. तो इस तरह से आप सारी की सारी अरबी को अपनी मनचाही शेप में कट कर लीजिए. मैं अक्सर इसको राउंड शेप में ही कट करती हूँ और जो कुछ ज़्यादा बड़े पीसेज होते हैं उनको राउंड शेप में कट करने के बाद 2 पीसेज में कट कर देती हूँ. तो इस तरह से उबली हुई अरबी को छीलना काटना बहुत ही आसान हो जाता है. इस तरह से मैंने सारी की सारी अरबी को कट कर लिया है. अब हम बनाते हैं इसका मसाला. बहुत ही सिंपल तरह से बनाऊंगी लेकिन आप यकीन मानिए अगर आप इस तरह से एक बार अरबी बनाकर खाएंगे ना यू विल जस्ट लव दिस.
आपको ये अरबी बहुत पसंद आएगी। मेरे हस्बैंड को ना अरबी खाना पसंद नहीं था, लेकिन मैंने जब उनको इस तरह से अरबी बनाकर खिलाई तो उनको बहुत ज़्यादा पसंद आने लगी है और हम अक्सर अब इसी तरह से अरबी की सब्ज़ी बनाते हैं। तो यहाँ पर मैंने ली है कढ़ाई, इसमें ऐड किया है 2-3 स्पून ऑयल, ऑयल ज़्यादा नहीं है। अब मैं यहाँ पर ऐड करूँगी इसका मेन इंग्रेडिएंट। हम जब भी अरबी बनाते हैं ना तो उसको जीरे में मत बनाइए, आप उसको बनाइए अजवाइन में। अगर आप अजवाइन में बनाएंगे एक तो इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा, दूसरा ये कि अरबी बादी नहीं करेगी, मीन्स पेट में जाकर गैस नहीं बनाएगी। चुटकी भर हींग मैंने यहाँ पर ऐड की है, उसी के साथ मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ सूखा धनिया पाउडर। ये जो सूखा धनिया पाउडर है घर का बना हुआ है तो बिल्कुल पाउडर फॉर्म में नहीं है, इसीलिए इसका टेस्ट और फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। 1/2 स्पून हल्दी, 1/2 स्पून लाल मिर्च का पाउडर, साथ में कटी हुई 2-4 हरे मिर्च ज़रूर ही ऐड कीजिए, बहुत अच्छा टेस्ट देती हैं, बहुत अच्छा फ्लेवर देती हैं। सभी मसालों को अच्छे से पका लीजिए, आप देख सकते हैं मसाले अच्छे से पक गए हैं। इस स्टेज पर हम यहाँ पर ऐड करेंगे अरबी। अरबी को ऐड करने के बाद आप यहाँ पर ऐड कीजिए नमक स्वाद अनुसार और उसके बाद सभी चीज़ों को आपस में मिक्स कीजिए। मिक्स करने के बाद हमें इसे कम से कम 7-8 मिनट तक लो टू मीडियम फ्लेम पर पकाना है ताकि अरबी नीचे से क्रिस्पी हो जाए। आप देख सकते हैं अरबी को सभी मसालों के साथ मिक्स करते ही कितना बढ़िया कलर इसमें आ गया है, और जिस टाइम आप अरबी बनाते हैं ना तो आपके किचन में एक बहुत ही अच्छा सा एरोमा फैल जाता है, क्योंकि इस अरबी की खुशबू बहुत ही अच्छी फैलती है। तो इस तरह से मैं इसको अलट पलट करते हुए लो टू मीडियम फ्लेम पर पका लेती हूँ। आप देख सकते हैं, आप चाहें तो आप इसको इस स्टेज पर भी निकाल सकते हैं, अभी भी ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगी। लेकिन अगर आप इसको ज़्यादा क्रिस्पी करके खाना पसंद करते हैं, जैसे कि हम लोग खाना पसंद करते हैं, तो आप इसको लगभग 5-6 मिनट तक और इसी तरह से पका लीजिए। बार बार भी आपको अलट पलट नहीं करना है, 2-3 मिनट तक नीचे से सिकने दीजिए। जब ये अच्छे से सिक जाए उसके बाद आप इसको अगेन टर्न कर दीजिए, फिर इसको 2-3 मिनट तक सिकने दीजिए और फिर आपकी बढ़िया टेस्टी गर्मा गर्म अरबी हो जाएगी बिल्कुल तैयार। तो यहाँ पर अरबी बनकर है बिल्कुल तैयार। अब हम इसको करते हैं सर्व। सर्व करने से पहले लास्ट टिप, इसको ज़रूर अपनाइएगा कि लास्ट में आपको इसके अंदर आधा नींबू स्क्वीज कर देना है। आधा नींबू निचोड़ देते हैं तो गले में जाकर ये अरबी चुभेगी बिल्कुल भी नहीं। बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ अरबी ऐसी आ जाती हैं जो गले में जाकर चुभती हैं जब हम उसको खा लेते हैं, लेकिन अगर आप इसमें नींबू ऐड कर देंगे, मीन्स कोई खट्टी चीज़ ऐड कर देते हैं, तो अरबी गले में जाकर चुभती नहीं है। तो इस ट्रिक को भी ज़रूर अपनाइए जो 2-3 टिप्स मैंने आपको दी हैं आज के इस वीडियो में। अगर आप उनको फॉलो करते हैं तो नेक्स्ट टाइम से आप अरबी बहुत ही टेस्टी और बहुत ही बढ़िया बना पाएंगे और आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। आशा करती हूँ आज की रेसिपी आपको काफ़ी पसंद आई होगी। जो टिप्स मैंने आपके साथ शेयर की हैं वो आपको पसंद आई होंगी। तो वीडियो पसंद आया हो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इस तरह की और भी इंटरेस्टिंग टेस्टी हेल्दी ईजी रेसिपीज देखने के लिए। मैं मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही कुछ और इंटरेस्टिंग रेसिपीज के साथ। Until then, tata bye bye and love you all. Don't forget to like and subscribe and comment करके जरूर अपना feedback share कीजिए. Bye bye, take care, stay safe, stay home and namaste India.